पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर डायरेक्टर मैडम दैट शी हैज गिवन परमिशन टू कंडक्ट दिस वेबिनार। ऑल्सो वी गॉट लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड इनपुट फ्रॉम आवर डिप्टी डायरेक्टर सर मेजर बीवी राम कुमार सर। टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a very important topic nowadays, especially in lockdown, and now we are in the face of unlock, that is the challenges faced by persons, parents of persons with intellectual disability. बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावक आजकल बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो कि लॉकडाउन में वो देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि ऐसी चुनौतियों को हम कैसे उनका निदान कर सके, उनको क्या सलाह दे सके जिसके माध्यम से वो बच्चों का बेहतर देखभाल कर सके, क्योंकि विद्यालय ज्यादातर बंद हैं, बच्चे अधिक समय पे घर पे रह रहे हैं और इस कारण से उनकी चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आज के इस वेबिनार में कुल तीन मुख्य वक्ता हैं। देर आर थ्री स्पीकर्स इन दिस वेबिनार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस आदिति विश्वास, faculty NIPED regional center Navi Mumbai, to start with her presentation. Good afternoon to one and all. Firstly, I show my gratitude to our director madam, our deputy director admin, and our officer in charge for giving us the platform for today's webinar. I also thank to Mr. Ravi Prakash Singh, who is the mentor for this present webinar and who had guided us through all for making this webinar come true. आज का हमारा जो विषय है वो है managing challenges faced by parents of PWIDs. तो पहले हम lockdown का effect देख लेते हैं. So as the coronavirus pandemic is continuing in today's day and we are in the verge of unlocking unlock 2, but still there we are not राइट नाउ इन द मोड ऑफ नॉर्मलसी. कहीं जाके हम अपने पुराने जो ओल्ड नॉर्मल में है वो उसमें अभी तक नहीं आ पाए हैं और इसके लिए हमारे डेली लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है. वाइल प्रोटेक्टिंग और टेकिंग द मेजर्स ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस, आई वोंट से सोशल डिस्टेंस, रादर आई विल से फिजिकल डिस्टेंस, बिकॉज सोशली हम लोग कनेक्टेड है थ्रू आर द वर्चुअल मीडिया, एज इफ आई एम नाउ कनेक्टिंग विथ you all the participants from different parts who are listening or viewing this current webinar. And the lockdown may help in curbing the pandemic till time more effective solutions come on. Our researchers, our doctors, our frontline workers are working hard so that we can get out from this current situation and get back to our normal life. Now let us focus on how the families get affected. In today's scenario, children with special needs are facing a huge problem and also their families. Aaj is COVID-19 ke situation mein, unlock or lockdown ke situation mein, hamari jo divyang bachche hain wo aur unke jo parents hain unko kafi dikkaton ka samna karna pad raha hai. आज के इस वेबिनार में मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स पेरेंट्स लोग फेस कर रहे हैं और बच्चों को क्या फेस कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करूंगी और साथ ही साथ उनमें क्या मैनेजमेंट और क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आई विल फोकस ऑन दैट. सो द फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन, इंक्लूडिंग द चेंज इन देयर डेली रूटीन. जैसा कि हम सब जानते हैं ये जो लॉकडाउन है ये एक या जो ये कोविड का सिचुएशन है ये अचानक सडनली इट हैज कम इन द मंथ ऑफ मार्च एंड इट इज नॉट अ प्रिपेयर्ड वेकेशन एट ऑल. अगर वेकेशन होता तो एज अ पेरेंट हम लोग और कोई भी दे वुड हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स एंड ऑल्सो द चिल्ड्रन वुड हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स कि यस इट इज अ वेकेशन एंड we will enjoy this vacation in different kind of activities, but this is not. And for during this COVID and this lockdown, unke routine mein bahut sari changes aaye hain.
बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खेलने के लिए नहीं जा पाते, रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है दे आर अनेबल टू गो देयर, वी आर और एवरी स्टेट इज इन द वर्ज ऑफ वेदर दे विल रीओपन द स्कूल और नॉट, दैट इज ऑल्सो इन द डिलेमा, बट स्टिल नाउ नोस दैट काइंड ऑफ करेक्ट कि हाँ अभी खोलना है कि नहीं खोलना है स्कूल, ये सारी चीजें अभी तक नहीं आ पाई. So this also increases the burden and responsibilities on the family. Also, family is involved in the rehabilitation and training process by participating in the development of the individual plan. Jaisa ki hum jante hain ki parents play a very vital role in child's overall development because parents अपने बच्चों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं. वी एज अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट एजुकेटर्स हम बच्चे को सिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वी ऑल्सो ट्रेन द पेरेंट्स टू हाउ टू गाइड द चाइल्ड व्हेन दे गो टू होम एंड व्हेन दे लिव देयर गो विद देयर चिल्ड्रन. इन दैट थिंग देयर इज ऑल्सो डिस्ट्रप्शन क्योंकि फैमिलीज अभी सेंटर्स में नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल्स में भी नहीं जा पा रहे हैं. सो दोस थिंग्स और द प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज वर्किंग बिफोर हैंड हैज बीन डिसरप्टेड टू. लेट्स फोकस ऑन व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन, दे आर स्टक एट होम कन्फाइंड इन द दिस फोर वॉल्स विद लैक ऑफ सोशल इंट्रैक्शन बियॉन्ड देयर फैमिली मेंबर्स एंड लैक ऑफ एक्टिविटीज एंड गेम्स. जैसा कि आप सब जानते हैं निपिज ने हेल्पलाइन नंबर शुरू की है एंड विद दैट हेल्पलाइन नंबर्स प्रोफेशनल्स आर गेटिंग इन्यूमरेबल कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड कंट्रीज. सो इन दो Those calls, the complaints or the problems the parents are saying is that ki bachche ko kya activities karwaye, bachche mein bahut sare behavioral issues aa rahe hain jo pehle nahi the, lockdown ki wajah se ho rahe hain. So all these issues and also the parents too are upset ki wo kaise apne bachche ko handle kare, manage kare, so they are also at an ease. So these are the different type of the calls we are getting all throughout. Also, children may face severe behavioral issues, as I said, that may crop up due to the pent up frustration, lack of occupation, change in routine, and above all, in case children with level relatively lower cognitive level, the inability to comprehend the reason for the sudden change in their lives. As we know, that children with special needs have poor IQ. So they have this difficulty कि बाहर क्या हो रहा है, हम लोग क्यों बाहर नहीं जा पा रहे हैं, schools क्यों बंद है, centers क्यों बंद है, why we cannot meet our friends, our caregivers or our teachers. So there bit of confusion is there. The next slide. So let's focus on what are the problems that are faced by parents. I have jotted down some of them, but there are innumerable problems. So first jo hai, that's stress. Stress. Then the next point is that is the low mood. Low. If I talk about the stress, that is ye to सिचुएशन है या सिनेरियो है इन दैट द पेरेंट्स आर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो काफी हद तक बढ़ गई हैं क्योंकि उनको अपने घर की देखभाल करनी पड़ रही है, साथ ही साथ उनके अपने बच्चों का भी ख्याल करना पड़ रहा है. एंड इफ वी सी द रेशियो द मदर्स आर मेनली फेसिंग द मोस्ट प्रॉब्लम. ऑल्सो दे हैव लो मूड. It can be one kind of, I won't tag it depression because that is a different scenario, but rather I'll term it a low mood. जिसपे कभी कभी मन उदास होना कि क्या होने वाला है, schools कब खुलेंगे, centers कब खुलेंगे, how I'll treat my child, what are the things that are going to happen. Also, the problems faced are the economic challenges, which includes the basic needs, also the medical needs, the expenses. That family members को bear करने हैं. So economic challenges also is face is one of the point. क्योंकि अभी इस situation में economic conditions को अगर हम देखें तो उसमें भी
की बहुत ही डाउनफॉल हुआ है. चिल्ड्रेन आर कन्फाइंड एट होम. पेरेंट्स ये भी काफी समय बोल रहे हैं कि बच्चे घर पे हैं, उनकी वजह से उनमें काफी टेम्पर टैंट्रम्स, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी बढ़ रहा है जिससे उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है. इंक्रीजिंग ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विच इज रिलेटेड टू द अबव वन. डिफिकल्टी इन मेकिंग द चाइल्ड एंगेज्ड बिकॉज व्हेन प्रीवियसली इन द ओल्ड नॉर्मल द चाइल्ड यूज्ड टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एट स्कूल और सेंटर, कहीं भी वो जाता था. बट राइट नाउ ही ऑल द टाइम 24 आवर्स वो घर पर है. तो ये टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे उसको इस्तेमाल करें, कौन से टाइम में क्या एक्टिविटी करवानी है, उसमें बहुत सी कंफ्यूजन है. इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज. अभी बहुत जनों के घरों में मेड ही नहीं है, सो द मदर्स स्पेशली हैव टू परफॉर्म ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स, which is also one of the problem of getting overburdened with huge activities, jiski wajah se bhi bahut time mein stress ya low mood ho sakta hai. Closed schools and rehabilitation centers is also, they don't know, the parents don't know, also we also don't know when is the school is going to reopen. Fear and worry about the health issues about the near and dear ones, about my child, also about myself, kahin mujhe covid na ho jaye, kahin main bimar na ho jau. All these things, of course, this worryness is some of the other time it comes into our mind. Challenges in securing things. If we are updated with everyday's news, so at time it is lockdown, at time it is unlocking, it's going just topsy-turvy. So presently, in many states, it is lockdown, and in many states, it is in the unlock too. So the things we have to secure, the basic things that we need for the survival, that is also one of the challenges, and job insecurity. Agar dono parents working hai, agar koi ek parents working hai jisme job security ho raha hai, insecurity hai, so that also is a big stress to the parents. Please change the slide, sir. The common problem behavior shown by children during this lockdown that I have jotted down with the calls that we have got from all across, also from the services we provide, jo follow up clients hai hamare jo hame phone karte hain unse. So the main problems that we got is the hyperactivity, irritability, stubbornness, throwing temper tantrums, crying for going out, hitting self for others, does not sit at the place for a required time while performing a task, aggression, rejection of limits, kyunki bachche ko pata nahi hai hum bahar kyun nahi ja pa rahe hain, mamma ya papa bol rahe hain no you cannot go out, why I cannot go out, the child don't know, everything is fine there, everything is clean there, so why I am unable to go out, and self harming at times. So these are the common behavior problems jo bachche show kar rahe hain. Hum as a professional hame pata karna hai whenever such kind of calls are coming in the helpline or to any other psychologist or therapist, so we have to get this clear ki ye jo problems hai ye kya lockdown ke pehle the या लॉकडाउन होने के बाद है. दिस थिंग वी हैव टू गेट वेरी क्लियर. ऑल्सो द थिंग इज दैट कि ये बिहेवियर अब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, दिन में कितनी बार होता है, कौन से टाइम पे हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. सो दिस थिंग वी हैव टू गेट इन टू आर कंसर्न. ये पेरेंट्स को देर आर मेनी टेक्निकल टर्म्स फॉर दैट. We use the ABC model, that is the antecedent behavior and consequences, when the functional analysis, those are the technical terms going in into that. But as a parent, aap jaan lijiye agar aisa koi problem behavior hai aur aap helpline number mein ya kisi professional se baat kar rahe hain, so then you get to see that professional or the therapist ya psychologist ko ki problem pehle thi ya abhi lockdown होने के बाद हुई है, क्योंकि वो घर में बंद है. द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. व्हाट आर द कॉजेस, विल गेट क्विक इनटू दिस, दैट इज अ सडन चेंज इन द रूटीन. जैसे मैंने पहले ही बताया, एक रूटीन में ह्यूज चेंज आया है,
हमारे आपके और ऑब्वियसली हमारे बच्चों में भी, विच इज अ डिवास्टेटिंग चेंज. द सेंसरी इश्यूज वी गेट टू सी इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. And in my next co-speaker, Mrs. Shilpi will be focusing on the sensory issues of the children. In the question answer session, if anybody wants to ask anything, we will get back to you. Also, the causes of the problem behavior can be both with excessive energy, poor communication skills. As we know, our Divyang children have poor communication skills. Restriction in going out, school closure, unable to meet the teachers, peer groups, sleep problems is also one of the factor. Proper time management, distribution of activity. ऐसा नहीं कि सारा दिन बच्चा पढ़ाई करेगा, academics में ही लगा रहेगा, पर नहीं, उसको हर एक चीज में उसका part होने. He is also, he or she is also an important part of the family and certain physiological issues. Next slide, please. How can they manage the issues of the children with special needs? The first thing is that we can do, make a daily timetable which should be predictable and that should be in a visual format. Hamari divyang bachcho ke liye hum jitna visually unko dikhayenge, it becomes easy for them to remember those. So make a timetable, a schedule, which was also previously there before the this pandemic condition. तो अभी कोई एक नया शेड्यूल फिर से तैयार करें और जो विजुअलाइज हो, बच्चे को दिखे, एक ऐसी जगह उसको पुट करें. ऑल्सो डेलीगेट द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड ऑफ चाइल्ड केयर अमंग द फैमिली मेंबर्स. डोंट गेट ओवरलोडेड विद द वर्क. जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, कोर्स है, वो फैमिली मेंबर्स में डिवाइड कीजिए. देन यू एज अ पेरेंट विल बी एट ईज. कॉन्टेक्ट द professionals through mobile and online and ask them the given information. Hamare helpline numbers available hai. At the end of the session we will again say we'll tell the helpline number from where you can get contact with us. Also in kind of transition, jaise unlock ho raha hai, bacche ko hum log kabhi kabhi bahar le ja sakte hain. Main nahi bol rahi hu ki we can take it out every time, but then also if there is a sudden change of going out, maybe you want to take the child to a doctor for a checkup and like that. So make the child first of all inform earlier. So ye jo transition hai, itne din wo ghar mein tha, ab suddenly usko bahar jana hai, usme usko koi dikkat na ho. Khyal rakhiye uski jo sleep pattern hai wo normal rahe. So there is, he's not sleeping for long hours, so that should be taken into concern. Next slide please. Make a list of activities of the daily living. Ke daily living par bhi मेरी जो दूसरी को स्पीकर है, शी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन दीज एक्टिविटीज. सो आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज. देन टेक द गोल्स विच आर अचीवेबल. ऑल्सो ग्रेजुअली इंक्रीज द इंडिपेंडेंस इन द डेली एक्टिविटीज. जो बच्चा कर पा रहा है वो सारे एक्टिविटीज को जो प्रैक्टिस कर लिया है, यू गेट इन टू इन्वॉल्व इन दोज एक्टिविटीज फॉर द चाइल्ड एंड लेट हिम डू इट इंडिपेंडेंटली एंड प्रेज द चाइल्ड. Next slide, please. Give free play between the tasks. Whenever you are giving certain kind of activities all throughout the day, of course, give free time activity जहाँ पर वो खेल सके अपने siblings के साथ, या obviously आपके साथ भी वो खेल सके. Whatever task he is doing, use physical demanding purposeful activities so that he gets that physical exercise. As one of the problem is they are getting bored and they are bubble with excessive energy, so that energy should be channelized in a proper way. So jo physical activities wo pehle karte the wo jitna ho sake ghar mein karwaye. Next slide please. Sir, can you please go to the next slide, slide number 13. The next slide. Yes. Here are the few points that I have jotted down to overcome with the stress. So parents should be doing positive thinking. Imagine kare, visualize kare how to deal with the problems that are coming up and what are the outcomes, immediate outcomes that are available. Also surround yourself with positive people, positive talks.
limiting the negative situation. है मुझे कुछ हुआ है, नो नॉट दैट, सो वी कैन जनरलाइज दैट. सिंप्लीफाई करें टास्क को जहां अवेलेबल है, जहां पॉसिबल है, इसलिए दूसरों की मदद लें. अपने स्ट्रेस को लिमिट करें, जितनी मेरी लिमिटेशन है काम करने की, वट एवर टास्क आई कैन डू, आई विल एडमिट दैट दिस इज माई लिमिट, अपार्ट बियॉन्ड दैट आई कैनॉट डू इट. इफ आई से इट इन अ वेरी काम एंड इन अ वेरी पोलाइट मैनर, ऑफकोर्स जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. टेक केयर ऑफ योर फिजिकल नीड्स एंड ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ टू. Build your own budget. As I talked about the economic challenges, so during this time, we all can have built our new budget so that it becomes easy to overcome the economic challenges. And of course, exercise, meditate, and perform yoga, whichever is suitable for you. Next slide, please. Here are the tips for parents. Communication is the key. So stay informed, but don't overdo media. News सुनिए, पर ऐसा नहीं कि सारा दिन ही हम न्यूज सुनते रहे. कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए जहां पर जिस वक्त पर कोई एक फैमिली मेंबर न्यूज सुनेगा एंड ही और शी विल कन्वे इट टू द अदर फैमिली मेंबर्स. आई थिंक सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन विल मेक यू मोर पैनिक स्ट्रिकन, मोर वरीड, मोर फियरफुल. सो लेट्स अवॉइड दैट. Also talk to the family, talking to family members. Check in with your child, school teachers and therapist. जो therapist हैं, जो school teachers हैं, जिस school में आपका बच्चा जा रहा है, उस teachers के साथ contact रखिए. क्या क्या activities वो लोग दे रहे हैं उसके साथ updated रहिए. Also check in with your child's healthcare provider by calling. Prioritize your self-care. Virtually connected रहिए अपने dear और near ones से. Be kind to yourself, seek help whenever it is necessary, a professional help, and be prepared. Next slide, please. Keeping it positive, with the child, you can say the behavior you want to see. So say it in a very positive manner. For example, as please put up your clothes away instead of don't make a mess. जो भी हम लोग कन्वे कर रहे हैं, जो भी बच्चे को बोल रहे हैं, वो हम काम, सॉफ्ट, पोलाइट मैनर में बोले, द चाइल्ड विल बी मोर एक्सेप्टेबल इन टेकिंग दोस. प्रेज चाइल्ड फॉर बिहेविंग वेल. जब भी वो कोई अच्छा काम कर रहा है और एक्टिविटीज दैट यू आर प्रोवाइड मेकिंग हिम टू डू और आस्किंग हिम टू डू, सो व्हेनेवर ही इज फिनिशिंग दैट टास्क, प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट ऑफ द रिवॉर्ड इमीडिएटली. ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे रिवॉर्ड, बाद में उसको मिलेगा ये रिवॉर्ड, नहीं, तुरंत रिवॉर्ड करें. Also help the child to get connected through the virtual mode, with the help of the social media, with its teachers, school friends, and the near and dear ones. Because now the child has to learn this too, to adapt with this new current situation. हमें बच्चे को सिखाना है कि हमें right now in this situation हम physical contact में नहीं जा सकते. So this virtual mode में हम teachers के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने family members के साथ आ सकते हैं सामने, फेस टू फेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट क्रिएटिंग बाय क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल रूटीन. वी कैन स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट, रीस्ट्रक्चर द सिचुएशन व्हेनेवर इट इज नेसेसरी. ऑल्सो वी हैव टू कीप आवर चाइल्ड by teaching them how to keep safe distances, making them hand wash and making them follow the hygiene. वो हम मॉडल करके, पेरेंट्स मॉडल करके बच्चे को सिखा सकते हैं कैसे हैंड वॉश करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है. दैट इज इन अ वेरी स्टोरी टेलिंग मैनर और इन अ फन मैनर. I'll get with some quick suggestions. Sir, can you get into the slide of quick suggestion? As by winding up this my session, I'll just quickly go into this points. I hope you are able to see the slide. So first we have to do is to understand why, when and where, with whom the behavior is occurring.
सो एज आई सेड बिफोर हैंड, किसके साथ हो रहा है बिहेवियर, कहाँ हो रहा है, वॉट इज द फ्रीक्वेंसी, वॉट इज द इंटेंसिटी. ईच एंड एवरी फैमिली हैज टू बी कंसिस्टेंट बाय यूजिंग द टेक्निक्स. जो इंस्ट्रक्शन बच्चे को सपोज मदर दे रही है, वो सेम इंस्ट्रक्शन ही इन द सेम मोडालिटी द फादर एंड द अदर मेंबर्स शुड डू. सो दैट विल हेल्प टू लेट द चाइल्ड लेस कंफ्यूज. ऑफ कोर्स इन्वॉल्व योर सिबलिंग्स इन टू द एक्टिविटीज वाइल प्लेइंग वाइल हाउस होल्ड कोर्स. जो एक्टिविटीज आप बच्चे से करवा रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट हो, ऐसा नहीं कि उसके एज के बराबरी ना हो. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू लुक द मेरिट एंड द लेवल ऑफ द चाइल्ड. Teach them to communicate by pointing, asking, also by using flashcards, by picture exchange communication. My co-speaker will be talking on those issues. Also, handle aggressive and violent behavior in a very calm manner. Whenever you as a parent thinking, you know, I'm very much overburdened with stress or I'm angry, you take a pause. Take a break for a 10 second or 20 second, breathe, and then again you come in contact with the child. Again, talk to the child in a more calm and a poised manner. Use the child's preferred task or activities. जो बच्चे को पसंद है, जो उसके interest में है, आप उस काम को बच्चे को करने दीजिए. Say his choices will increase. He'll be able to show his choices in whether it's non-verbal or verbal. Encourage and engage the child in independent task. जिस task में बच्चे जो task बच्चा खुद से कर पा रहा है, let the child do the task independently. Whether वो सही है या गलत है वो हम लोग बाद में देखते हैं. Let him do the task and then we can praise the child and whatever modification is required we can do it in the off time. कि हम लोग इसको कुछ बेहतर कैसे करें. Reward the child for doing appropriate behavior. Involve the child in doing daily activities. जब आप घर के काम कर रहे हैं, किचन में हो या कहीं और पर काम कर रहे हैं, make your child involved in those tasks. That will act also as a recreational activity for the child too. Include lot of physical activities and as I said, establish a daily routine. With this, I come to the end of my presentation and thank you for listening. We will take the question answers at the end of the webinar. So please be with us. My next co-speaker is Ms. Shilpi and she will be speaking on the management of sensory issues. Thank you for listening. Good afternoon, everybody. Thanks for joining here for our NIPID webinar. My topic for today is management of sensory issues in children with ID. So, दिव्यांग बच्चों में होने वाली संवेदी विषयों पर हम लोग कैसे को मैनेज कर पाए इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो व्हाट इज सेंसरी प्रोसेसिंग? सेंसरी प्रोसेसिंग रेफर्स टू द वेज द नर्वस सिस्टम रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंसेस एंड टर्न्स देम इनटू रिस्पॉन्सेस. सो अगर सिंपल भाषा में मैं बोलू तो सेंसरी प्रोसेसिंग क्या है? तो हमारे जो सात संवेद सेंसेस है, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा सुगंध को महसूस करना, हमें हमारा टच को महसूस करना, ये सब हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग का भाग है जो कि एनवायरनमेंट से हम लोग को जो भी इनपुट आता है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हम ब्रेन से उसको रिस्पॉन्ड करके हम लोग प्रोसेस करके हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं. So sensory processing or integration is, as it is also known, is the effective registration and accurate interpretation of sensory input in the environment. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, there are seven senses, right? Seven senses. अगर मैं एक-एक के बारे में आपसे थोड़ा सा discuss कर लूँ, quick review. Auditory. Auditory means sense of listening. हमारी सुनने की क्षमता. सेंसरी इश्यूज में ये बहुत बड़ा योगदान है. हमें सही से कोई भी बात हमारे मस्तिष्क में जाना है तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है. सेकेंड है ओरल सेंसेशन, सेंस ऑफ टेस्ट. जो भी हम खाते हैं, गरम, ठंडा, खट्टा, मीठा, वो हमारी ओरल सेंसेशन में काम आते हैं. ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल जब मैं बोलती हूँ, कभी बहुत गंदी बास आती है तो कभी बहुत सुगंधी महसूस होता है. तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ऑल्फैक्टरी सेंसेस आर वर्किंग नॉर्मल. देन वी से वी कम टू विजन. सेंस ऑफ विजन. सेंस ऑफ विजन जब मैं बोलती हूँ, सो हमारे देखने की और
आजू बाजू एनवायरमेंट में भिन्न भिन्न कलर्स को महसूस करने की जो क्षमता हमारे नेत्र से हमें प्रदान होती है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं थ्रू सेंसरी प्रोसेसिंग. Then is fifth is tactile. Tactile means sense of feeling, the sense of touch, sense of कोई अगर हमें ठंडे कोई भी गर्म या ठंडा स्पर्श होता है हमारी त्वचा से हमको जानकारी मिलती है, हाथों से हमको जानकारी मिलती है, ये हमारा tactile sensation हो गया. Then two major sensation that was not being discussed in the earlier history. So these are proprioceptive and vestibular sensation. Proprioception means body awareness. Body awareness in right hand, right and left discrimination. Body awareness हमारा हम right side जा रहे हैं, left side जा रहे हैं. वातावरण में या environment में हम जो कहते हैं, उसमें हम लोग कैसे हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ ऊपर उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं. These are the body awareness that comes into the proprioceptive sensation. Then the last is the last but not the least, that is vestibular sensation. Vestibular sensation means body's postural responses. Whatever posture, हम कभी कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बहुत सीधा बैठते हैं, तो कभी बहुत आड़ा बैठते हैं, कभी बहुत हमारी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को रिस्पॉन्स नहीं करती है. ऐसे सिचुएशन में तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर सेंसेशन इज गेटिंग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. Now many times parents have become very concerned if their child displays problems with the sensory processing. तो ये सात जो senses है हमारे, इसमें कहीं भी कोई भी क्रिया में अगर कोई ऊपर नीचे होता है, यानी कि संवेदना properly मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पा रही है और वापस मस्तिष्क से हम लोग interpret करके environment में response नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे situation में हमें क्या करना चाहिए, या संवेदी प्रसिकरण विकार किसे हो सकता है? जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के केसेस में दिखते हैं, एस्पर्गर सिंड्रोम में, सेरेब्रल पाल्सी एंड अदर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ दिव्यांग बच्चों में होता है, ये नॉर्मल बच्चों में भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑर्डर कम या ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगा. भले उसके एक्टिविटीज नॉर्मल है, उसमें स्लो लर्निंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, या खेल कूद के दौरान हुई ब्रेन इंजरी के वजह से. सो वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट कि अगर एसपीडी है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो वो दिव्यांग बच्चा ही है. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्मल बच्चों में भी ये प्रमाण दिखाई देता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. The next slide. Who has sensory processing disorder? So what ये हमने अभी देखा. So what are the sensory seeking habits in children? बहुत बार parents समझ नहीं पाते, बच्चे को रोक रहे हैं, बैठो इधर, बैठो, बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, ये कमरे, ये दीवार से लेकर वो दीवार तक दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ये तो जंप कर रहा है, सोफे पे जंप कर जा रहा है, जंप कर. पेरेंट्स परेशान, बैठो मोंटी, बैठो बैठो, पर मोंटी सुनने को तैयार नहीं है, बिकॉज ही इज एंजॉयिंग दैट मूवमेंट ऑफ जंपिंग, बाउंसिंग, फ्लिपिंग, मेकिंग द बॉडी मूवमेंट्स. तो ये हमारे लिए एक नोटिंग फैक्टर होना चाहिए कि वो उसकी सेंसरी सीकिंग हैबिट बनती जा रही है. चिल्ड्रन वो चाइल्ड को कहीं ना कहीं किसी अंश पे कोई भी सेंसरी प्रॉब्लम डेवलप हो रही, चाहे वो हाई लेवल थ्रेशोल्ड पे हो या लो लेवल थ्रेशोल्ड पे है. तो नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ हियर आई हैव roughly defined in two cases, hypersensitivity issue and hyposensitivity. So tactile defensiveness हम लोग जल्दी से हम लोग examine कर सकते हैं, parents बहुत आसानी से ये बच्चों में observe कर सकते हैं, day to day observation में हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा बच्चा बहुत hypersensitive है, हमारा बच्चा बहुत hyposensitive. So hypersensitivity के लक्षण क्या है, picky eaters, कुछ भी उठा के मुंह में डाल देंगे, emotional outburst, कुछ नहीं, सिर्फ उनको थोड़ा सा आपने गुस्से से बोल दिया ये मत करो, बस
पूरी फुल वॉल्यूम में बच्चे ने स्क्रीम करना चालू कर दिया, रोना चालू कर दिया, इसकी बहुत जोर से उसको किसी ने डांट दिया, या कोई जिस बात में उसको ध्यान नहीं देना चाहिए उस चीज में बेटा बहुत ज्यादा इंटरफेयर, ये क्या है, ये देखना है, उसे वो देखना है, ये सामान निकाल रहा है, रेडी टू टेक आउट थिंग्स फ्रॉम द बैग्स, फ्रॉम द कबर्ड्स, कीप ऑन ट्रेसिंग थिंग्स, या फिर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. फाइट मीन्स कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा हाथ भी लगा दिया उनको, बस मारने को तैयार, वो तैयार हो जाता है, नहीं किसने मेरे को हाथ दिया मैं इसको भगा दूंगा. ए फ्लाइट, अगर किसी ने टच कर दिया वो उससे भी परेशान हो जाते, कभी कभी कोई बच्चे कि वो भाग जाते हैं, उसने मुझे टच किया मैं भाग गया. वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट इज अ नॉर्मल, अदर चाइल्ड और अदर पर्सन इज टचिंग यू, अगर अच्छे वे से है बुरे वे से है, वो उसमें कैटेगराइज नहीं करता है, वो उसकी सेंसरी प्रॉब्लम है जिसके वजह से वह आगे नहीं कर पाता है. अगर लाइट गई, सेकेंड कैटेगरी अगर देखा जाए तो हाइपोसेंसिटिव, हाइपोसेंसिटिविटी इशू भी रह सकता है जिसमें लो थ्रेशोल्ड है. स्लाइड नहीं आ रहा है सर, स्लाइड नहीं आ रहा है. ओके, हाइपोसेंसिटिविटी जब बोल रही हूँ मैं तो आवाज आ रही है. ओके, सो हाइपोसेंसिटिविटी में देखेंगे बच्चा गंदगी बहुत पसंद, गंदगी मीन्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ गंदे में खेलना पसंद, पर अगर उसको कुछ लग गया है, उसको कुछ उसका हाथ पैर मिट्टी लग गई है, या उसके लिपस्टिक के निशान है, या कोई भी कलर्स उसके हाथ पैर को लगे, he enjoys that, he doesn't wants to wash his hand or body, वो enjoy करता है, उसे अच्छा लगता है अपने हाथ गंदे करना, दिखाना देखो मेरे हाथ गंदे. रफ प्ले यानी कि बच्चा बहुत रफली सब पॉइंट इसको खेल खेल के तोड़ देगा, या इधर से फेंकेगा फिर उठाएगा फिर फेंकेगा, that is rough play. बॉडी अवेयरनेस हाइपोसेंसिटिविटी इशू में काफी कम होती है, यानी कि उनका हमेशा उनको देखेंगे या तो किसी को चिपक के खड़े रहेंगे, या उनको उनको बोलेंगे राइट चलो तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम हो सकता है. हग्स, ये बच्चे बॉडीली हग्स को बहुत अच्छा एडमायर करते हैं. हाइपोसेंसिटिव बच्चों का एक ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनको कोई ना कोई साथ में ज्यादा आइदर पेरेंट्स चाहिए या तो दादा दादी चाहिए, कोई तो उनके पास चाहिए जिनका वो हाथ पकड़ के रहे या जिनको वो टेक के खड़ा रहे, उनको हमेशा एक बॉडीली टच चाहिए. जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS दिया जिसमें वो जादू की थप्पी देता है, तो ये बच्चे जो हाइपोसेंसिटिव उनको जादू की थप्पी जो है वो बड़ी पसंद आती है. दे लव टू ड्रैग देमसेल्फ इन अदर्स बॉडी और हैंग अराउंड देयर फादर्स नेक और हैंग अराउंड देयर ग्रैंडपेरेंट्स हैंड. So it is their sensory need. The slide nahi visible. Okay, fine. No sound aa raha hai. Yeah. Aa raha hai? Okay. So now coming to what is occupational therapy going to do with the children with sensory issues? Nahi aa raha. Aa raha hai. Okay. So occupational therapy works with children who struggle with sensory seeking by first identifying the types of sensory experiences the child is seeking, and second by helping to create more opportunities for sensory input throughout the daily routine. So the occupational therapist ka pehla aur foremost kaam hai ki bacche ki kya sensory requirements hai. Kabhi kabhi parents ko dikhai bhi deta hai, समझ में भी आता है, पर मन मानने को तैयार नहीं है कि बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम है या उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. पहले तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो भी सेंसरी इशू है, हर सेंसरी इशू का कोई ना कोई असेसमेंट है, कोई ना कोई उसका सोल्यूशन है. तो कमिंग टू सेंसरी सीकिंग असेसमेंट, सो ड्यू टू लॉकडाउन अभी तो सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बंद है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आ नहीं सकता है, ना ही आप कोई सेंटर जा सके. तो ऐसे समय में हम पेरेंट्स क्या करना चाहिए, पेरेंट्स ने सिंपल है, या तो आप कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से टच में है सो टेली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू डेली बेसिस पे उसे बात कीजिए, आपके बच्चे को कीनली ऑब्जर्व कीजिए, उसकी छोटी छोटी हरकतें किस बात से कौन से टाइम पे उसका बिहेवियर चेंज होता है, कौन से टाइम पे वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कौन से टाइम पे वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है.
रिवॉल्टिंग बिहेवियर है या फ्लाइट वाला मोड में आ जाता है. सो पेरेंट्स हैव टू प्ले अ वेरी की रोल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द सेंसरी इश्यूज इन देयर चिल्ड्रन. नाउ कमिंग टू एवरीडे एक्टिविटीज. अब occupational therapist, being an occupational therapist, I will ensure to make the activities to be fun and a part of daily routine. अगर आप सोच रहे हो मैंने 40 मिनट की या 20 मिनट की ओटी दे दिया है, that's it, no boss. Parents, you have to be very careful. It is not a 40-minute session or 30-minute session that is going to help your child. The child requires a 24/7 service attend service and attention from you. ये सेंसरी इश्यूज अगर बच्चे में है सो ही रिक्वायर्स 24/7 सर्विस एंड अटेंशन. सो क्या कर सकते हैं, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? हमारा अल्टीमेट गोल इज टू इंटीग्रेट एंजॉयबल एक्टिविटीज नेचुरली इनटू द चाइल्ड्स डे, मेकिंग थेरेपी नॉट सीम्स टू थेरेपी एंड टू अल्टीमेटली बेनिफिट द चाइल्ड एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इम्पैक्टेड बाय द बिहेवियर. अभी हमने अदिति मैम का सुना, अदिति मैडम ने बहुत सारी चीजें बताया, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं क्या, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं इसकी आपको पूरी तरह से जानकारी मिली है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द बिहेवियर, बट ये बिहेवियर चाइल्ड का कोई भी बिहेवियर सेंसरी इश्यू से रिलेटेड जो भी बिहेवियर वो आउटकम में देता है उसमें सभी लोग अफेक्ट होते हैं. सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनकल्केट द चाइल्ड इन एवरी डे एक्टिविटीज. ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसपे चाइल्ड एंजॉय करे, आपका बर्डन आपका स्ट्रेस कम करे और उसका सेंसरी इश्यू भी रिजॉल्व हो. सो हियर होम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ सेंसरी इश्यूज में हम लोग बात करें तो इसमें चार एक्टिविटीज है. एक्टिविटीज इन एसोसिएशन विद अराउजल लेवल ऑफ द चाइल्ड, हाउस होल्ड कोर्स, प्ले थेरेपी विद एडियल एक्टिविटीज. सो फर्स्ट कमिंग टू द activities in association with the arousal level. Yes sir. So as you can see हमारे घर में छोटी सी छोटी चीज, गंदी से गंदी चीज फेंको मत, उसको उसके बारे में सोचो, उसके बारे में जानोगे, ये हमको कहीं ना कहीं यूज हो सकती है. हाँ मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कूड़ा कचरा जमा करो, बट अगर कोई चीज टूट गई है उसको हम लोग कैसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे बच्चे के भविष्य के लिए या बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए. अब आपने जैसे मैं स्लाइड में दिखाया है, मैंने हम लोग बहुत सारे हमारे घर पे चीजें है, रॉकिंग चेयर है, बीन बैग है, या तो वॉल है घर की. अगर ये नहीं है, अगर आपके पास वॉल पूल नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास पिल्लोज है वो भी आपके लिए इफेक्टिव है, अगर आपके पास ब्लैंकेट है वो भी आपके लिए इफेक्टिव है आपके बच्चे को अराउजल लेवल जगाने के लिए. वॉल है, वॉल को इमेजिनरी पुश करवाइए उसे जितना उसका एनर्जी लेवल है. अगर वो बहुत हाइपर है सो यूटिलाइज चैनलाइज हिज एनर्जी इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स. उसको अलग अलग चीजों में उसको इन्वॉल्व कीजिए. उसका अगर कोई म्यूजिक सुन के वो एक्साइट होता है सो गेट दैट म्यूजिक नोटेड समवेयर इन योर डायरी. यस माय चाइल्ड इज गेटिंग एक्साइटेड ऑन दिस म्यूजिक, जस्ट प्ले दैट ऑन एंड डांस विद योर चाइल्ड. मेक द एनवायरमेंट ऑफ योर होम हैप्पी एज मच यू कैन. जितना आप खुश दिखोगे, जितना आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगे खुशी से, उतना ही बच्चा आपको अटेंशन देगा, उतना ही उसका अराउजल लेवल देखने को मिले. सेंसरी इशू हमने बहुत बार देखा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिस फीचर्स जो बच्चों में देखा जाता है वो काफी हद तक स्वमग्न रहते हैं. तो डिपेंडिंग माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लेवल रहता है अराउजल लेवल रहता है चाइल्ड का. सो वी हैव टू पिन पॉइंट दैट अराउजल लेवल एंड गेट द एक्टिविटीज डन. बार बार उसको स्वमग्नता में जाने से रोकना है या उसको बार बार उसको कॉन्शियस करवाना है कि यू आर अवेयर, यू आर विथ अस, वी आर विथ यू, वी हैव टू डू दिस. गेट इन्वॉल्व विथ योर चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड डू थिंग्स विथ यू. आप कोई भी काम कर रहे हो, आप चाहे तो कपड़े धो रहे हैं तो बच्चे को साथ में एज अप्रोप्रिएट काम करवाइए. मैं ये नहीं बोल रही बच्चा 4 साल का है उसको आप 10 साल के बच्चे का काम देंगे तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो कमिंग
बैक टू अराउजल लेवल, जिस जिस वक्त बच्चा आपको अटेंशन दे रहा है उस वक्त उससे फिजिकल एक्सरसाइज करवाइए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ डांस करिए, अपसाइड डाउन घूमिए, तो जंप रोप कीजिए, जो भी घर पे हम लोग कर सकते हैं वो सब आप थेरेपीज आप घर पे ले सकते हैं टू इम्प्रूव योर सेंसरी इश्यूज. नाउ सेकंड नेक्स्ट स्लाइड सर. Now, what is ideal activity, home activities? So, हम लोग home activities अगर दिया जाए, घर के काम क्या क्या दे सकते हैं, अगर वो एज अप्रोप्रिएट कोर्स रहे तो बहुत अच्छे से बच्चा कर लेगा. यहाँ पे मैंने चार कैटेगरीज बनाए, 2 से 3 साल का बच्चा है, 4 से 5, 6 से 8 और 9 से 11. So, इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए, अगर आपका बच्चा जो भी एज ग्रुप का है 2 to 3 years, when it may be bed making कर सकता है, उसके toys books उठा सकता है, books arrange कर सकता है, आपको help कर सकता है how कपड़े घड़ी करने में, या फिर कपड़े fold करके रखने के लिए cupboard में, छोटी छोटी items रखने के लिए, wiping करने के लिए अगर उसने कुछ mess up कर दिया है, you can ask the child to चलो हम लोग ये साफ करेंगे, आप उसको involve कीजिए हर इसमें. देन 4 to 5 years का बच्चा है तो आप उसको टेबल सेट करवाना सिखा सकते हैं, उसे कैसे बर्तन रैक्स में रखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, फिर आप उसको लॉन्ड्री के में बच्चों का को बोल सकते हैं ये कपड़ा निचोड़ के दो, ऐसे ही आप कपड़ा निचोड़ने देते हैं, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि कपड़ा निचोड़ने से क्या फायदे हो रहे हैं, कपड़ा निचोड़ने से उसके दोनों हाथ के ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज हो रही है, उसके हाथों में शक्ति आ रही है, जितना वो निचोड़ेगा उतने उसके मसल पावर अच्छा होएगा, उतना अच्छे से वो उसके सेंसरी नीड्स कम होते जाएंगे. उसको बोल सकते हैं चलो रूम की साफ सफाई करो, कभी रूम इधर का सामान उधर करने लगाओ, अगर आपके पास पेट है तो उसको खाना खिलाने के लिए दो, उसको बोलो चलो आज इसको आप खाना दोगे, आप खिलाओ आपके पेट को. तो मेक हिम अ रिस्पॉन्सिबल किड, नॉट लाइक नहीं इसको तो ये प्रॉब्लम है मैं नहीं कर लेती हूँ काम, वो तो गंदा कर देगा, और ठीक है ना घर थोड़ा गंदा होगा पर वो सीखेंगे, उस जो थोड़ा सा गलती कर करके आपका बच्चा सीख तो लेगा और उसका सेंसरी इश्यूज भी रिसॉल्व होगा. अब ये तो नहीं बोलेंगे मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता मैं ये करना पड़ता है, नहीं, लेट एज अप्रोप्रिएट कोर्स यू शुड गिव टू द चाइल्ड. सो नाउ कमिंग टू 6 to 8 years, 6 to 8 years का बच्चा बर्तन धो सकता है, बर्तन धो के रख सकता है, बाथरूम क्लीनिंग में उसको हेल्प कर उसको काम दे सकते हैं, उसको स्कूल के बैग्स में बुक्स निकालना फिर रखना, कौन से बुक्स रखना है वो बता के आप उससे ये काम करवा सकते हैं. अगर आपके पास छोटे छोटे पौधे हो घर पे, इनडोर प्लांट्स हो, तो आप उसमें उसको पानी डालने लगा सकते हो, या जो भी ट्रैशेस आए हैं आपके पास, ग्रॉसरी का सामान आया है, तो यू कैन आस्क हिम और हर टू हेल्प यू आउट इन सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स. 9 to 11 years का बच्चा है, ही कैन इजीली हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी कोर्स, राइट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ योर फूड, फूड कटिंग ऑफ द फूड, वॉशिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, देन मेजरिंग डाइस, वॉक विद द पेट, वैक्यूम, फ्लोर मॉप क्लीनिंग वगैरह, ये सब हम करवा सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो प्ले थेरेपी जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है वो प्ले थेरेपी है. अब ड्यू टू लॉकडाउन बोलो, हम सबको घर से ही काम करना है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग वर्क फ्रॉम होम, ऐसे टाइम पे रूटीन बनाइए, आपका डेली शेड्यूल बनाइए जिसमें आप 1-2 घंटा अपने बच्चे के साथ प्ले थेरेपी करें, खेल. प्ले थेरेपी थेरेपी है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना है बच्चे के साथ, खेलना. जितना आप बच्चे के साथ खेलोगे अलग अलग एक्टिविटीज पे, उतना ही बच्चा और अच्छा रिस्पॉन्स करेगा. फोर्थ एंड द लास्ट व्हाट वी कैन से इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. नेक्स्ट स्लाइड सर. सेंसरी इश्यू बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनका शेड्यूल या टाइम टेबल जो बोलते हैं वो बहुत एक्यूरेट रहना चाहिए. जैसे वो पहले स्कूल जाता था
तो वैसे ही उसने उसी टाइम पे उसने उठना है सुबह 10 बजे की अगर स्कूल रहती थी, एक सिमुलेशन आप बना सकते, चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, नो मैटर, उसको एक वो आदत लगवाइए कि मेरे को स्कूल का ड्रेस पहनना है 9:45, मुझे स्कूल बैग लेकर टेबल के पास जाना है, स्कूल एक्टिविटीज करना है, देन लंच ब्रेक विल बी देयर, मेरे को लंच करना है, फिर मुझे खेलना है, लंच के बाद थोड़ी देर सोना है, सो सकता है, नहीं तो खेलना है तो खेले, फिर उसके बाद मम्मी पापा को हेल्प करे, मम्मी पापा के साथ टीवी वॉच करे, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आप गाने देखो या कुछ भी, जो भी आप एंजॉय कर रहा है बच्चा, वो क्वालिटी ऑफ टाइम ही स्पेंडिंग विद पेरेंट्स, देन अगेन इज हेल्पिंग यू आउट इन द डिनर, देन गोइंग टू बेड, सो अ रूटीन, सुबह 7 बजे से रात के 10 जब तक वो सोता नहीं 10 बजे तक, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना मस्ट है। अगर जिस दिन से आपने टाइम टेबल फॉलो करने चालू कर दिया, उस दिन आप में आपको एक बहुत अच्छा बदलाव दिखेगा कि बच्चा हर चीज को रिस्पॉन्स कर रहा है, सेंसरी इश्यूज उसके रिजॉल्व हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने एक रफ आइडिया बताया है, कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड सर। एक हमारा हर एक के घर में कैलेंडर तो रहता ही है, 1 से 31 तारीख तक के, 30 तारीख का महीना है, हर दिन को एक एक हर एक्टिविटी आप लिख दो, बस लिख दो और उसी को फॉलो करना है, चाहे वो जून मंथ हो, चाहे वो जुलाई हो, चाहे वो अगस्त हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे लॉकडाउन ना हो, जितना आप ये रूटीन और हैबिट्स फॉलो करोगे, छोटी 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 एक्टिविटीज है, एनिमल वॉक है, क्यू पेंटिंग है, हवा में आप एक्सरसाइज करवा रहे हो, योगा करवा रहे हो, अलग अलग एक्टिविटीज, स्कूल एक्टिविटीज करवा रहे हो, इट विल मेक ह्यूज डिफरेंस इन योर चाइल्ड्स बिहेवियर। सो नाउ आई एम कमिंग एंडिंग माय सेशन, एंड सो आई होप यू विल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इट इन योर Q&A बॉक्स एंड वी विल आंसर इन द एंड ऑफ द सेशन। ओके, so now I hand over this mic to Ms. Poonam Tambe for further presentation. Thank you, sir. Hello sir, I am audible. Hello. Good afternoon, all of you. Yes, ma'am, I am audible. Okay. Good afternoon, all of you. Myself, Poonam Tambe, special educator, repeat RC, Navi Mumbai. Mera subject hai academic activities for special needs children. COVID-19 के इस संक्रमण से पूरा देश प्रभावित है। स्कूल, पार्क और सामान्य और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण माता पिता अपने बच्चों को कहीं भी ले नहीं जा सकते। इससे माता पिता के सामने बच्चों को कैसे व्यस्त रखें, ऐसे प्रश्न निर्माण होता है। ऐसे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परवरिश करना आसान भी नहीं होती, खास करके जब हम दिनचर्या के प्रबंध में व्यस्त है। ऐसे समय हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे व्यस्त रखें, क्या किया जाए, यही सवाल माता पिता का होता है। ऐसे समय में बच्चों को हम पर्सनल हाइजीन, एडीएस की, सोशल स्किल, एकेडमिक एक्टिविटी सिखाने के कुछ हम तरीके यहाँ बताने वाले हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजी रेफर टू मेथड्स यूज टू हेल्प चिल्ड्रेन लर्न द डिजायर्ड कोर्स कंटेंट एंड बी एबल टू डेवलप achievable goals in the future. Teach one steps at a time to help support memorization and sequencing. हमें बच्चों को एक समय में एक ही अवधारणा सिखानी चाहिए। हमें बच्चों को उनके गोल साध्य करने के लिए और सक्षम बनाने के लिए हमें उन्हें एक ही समय पे एक ही स्किल सिखानी चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। What we will be covering, इसमें मैं activities of daily living skill, social skill और functioning academic skill. Next slide please.
activity of daily living. The activities of daily living are classified into basic, ideal, and instrumental activities of daily living. The basic, ideal, or physical are those skills required to manage one basic physical needs. Include इसमें है grooming, dressing, toileting, eating. इसमें सभी हमें एकेडमिक स्किल्स सिखाने के पहले यह सब एक्टिविटी बच्चों को आनी चाहिए. उसमें टॉयलेटिंग स्किल बच्चों को कैसे सिखाना है इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को कहीं भी स्पेशल स्कूल रहे या कोई भी स्कूल रहे उसमें एडमिशन लेना है तो बच्चों को टॉयलेटिंग स्किल आती है कि नहीं आती ऐसे पूछा जाता है. स्पेशल स्कूल रहा तो भी बच्चों को पूछा जाता है. इसलिए टॉयलेटिंग स्किल में हम लोग पहले सिखाया उसको बोले टास्क, छोटे छोटे टास्क करके बताने वाले हैं. जैसे गो टू द टॉयलेट, पुल डाउन पैंट्स, पुल डाउन अंडरवियर, सिट ऑन द टॉयलेट, पी, फिनिश, स्टैंड अप, पुल अप अंडरवियर, पुल अप पैंट्स, फ्लश, वॉश एंड ड्राई हैंड. इसी तरह से हमें हर एक्टिविटीज को छोटे छोटे टास्क में करके बच्चों को पढ़ाना है. वॉश इसी के साथ इसमें हमें एक एक्टिविटी अभी तो सभी पेरेंट्स ने सिखा दिया है तो भी मैं एक बार बताऊंगी कि वॉश योर हैंड. जैसे बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, रनिंग नोज, कफिंग एंड सिंक, आफ्टर योर प्लेस आउटसाइड, गेम्स, आफ्टर योर प्ले विथ पेट्स, प्रोसेस ऑफ हैंड वॉश, टर्न ऑन द टैप, वेट योर हैंड्स, यूज द सोप, मेक बेबी, rinse with water, dry with dry your hands. Next slide sir. Social skill. The interpersonal skill necessary for successful communication and social interaction. इसमें हम greeting to adults, say thank you for the help, say sorry when you make a mistake, waiting for your number to arrive, sharing object, food, taking turns. हमें बड़ों को अभिवादन करना है, कोई भी हमें सामने दिख रहा है तो उससे विश करना है, किसी ने हमारी हेल्प की तो हमें थैंक यू बोलना है, हमारे से कुछ गलती हुई है तो हमें उनको सॉरी बोलना है, हमारा नंबर आने तक हमें बस की लाइन में कहीं भी जाना है तो हमें वेट करना है, घर में भी हमारे कुछ सामान लाए हैं, कुछ खाने की चीजें लाए हैं तो उसको हमें शेयरिंग करना सिखाना है, और हमारा टर्न आने तक हमें जैसे कोई गेम खेल रहे उसमें हमें वेट करना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. फंक्शनल एकेडमिक स्किल. फंक्शनल आर डिफाइंड एज एकेडमिक एरियाज व्हाट विल बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. For example, reading, read science, stop, go, men's, women's, read, math. इसमें money, grocery, shopping, making, change budget. यह स्किल हमें सिखानी है. उसके लिए हमें कार्यात्मक रूप को शैक्षणिक क्षेत्रों में सिखाने के लिए जो छात्र अपने जीवन को बाकी सब के लिए उपयोग में किया जाता है. उदाहरण के लिए हमें पढ़ने के लिए रोकने के लिए कुछ पुरुषों और महिलाओं को गणित, जैसे कि हमें मनी सिखाना है, किराना खरीदे, ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है. इस तरह से हम लोग उनको बच्चों को वर्क दे सकते हैं घर में ही, हमें आज आपको क्या सब्जी खानी है तो हमें क्या खरीदना है उसकी भी हम उनसे पूछ के हमको ऐसी फंक्शनल स्किल हमें उसमें ऐड करनी है. उसके लिए हमें एकेडमिक उसमें प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्री अरिथमेटिक. प्री राइटिंग स्किल में है सर. स्लाइड प्लीज. सर नहीं आ रहा, आवाज आ रहा है? प्री रीडिंग सिंपल मीन्स रीडनेस टू रीड. हमें पढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए. प्री रीडिंग एज इज फ्रॉम बर्थ टू सिक्स इयर्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
रीडिंग स्किल इन्वॉल्व, इसमें विजुअल मैचिंग से सिखाना है हमें, ऑडिटरी मैचिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी, डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, नेमिंग, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम ओरिएंटेशन, दृश्य मैचिंग, श्रवण मैचिंग, दृश्य और श्रवण मैचिंग से हमें सिखाना है, विभेदीकरण से सिखाना है, हमें ग्रुप में समूह में सिखाना है और वर्गीकरण के हिसाब से हमें सिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। प्री रीडिंग स्किल्स की इम्पोर्टेंस है, आइडेंटिफिकेशन सर। नेक्स्ट, हेलो, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्रेसिंग नीड्स, पहचान, भेदभाव, आवश्यकता व्यक्त करना, जैसे कि सबसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड, रीडिंग स्किल मैचिंग। मैचिंग में हमें विजुअल मैचिंग में हमें सिंगल मैचिंग करना है, जैसे कि यहाँ मैंने कैरेट दी है तो कैरेट से कैरेट को मैच करना है। फिर डबल मैचिंग है, डबल मैचिंग में हमें उसी के दूसरे वेजिटेबल्स रख के उन दोनों में से हमें बताना है कि बच्चे ने वही वेजिटेबल्स निकालनी है। फिर मल्टीपल मैचिंग, जैसे दो तीन वेजिटेबल्स रखने हैं और उसमें से हमें बच्चों को बताना है कि कौन सी वेजिटेबल्स है, इसको मैच करनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ऑडिटरी मैचिंग, मैचिंग बाय लिसनिंग साउंड, लाइक साउंड ऑफ टॉयज, व्हीकल्स, एनिमल्स, एटीसी। ध्वनि सुनकर हमें मिलान करना है, जैसे कि खिलौने का आवाज, वाहन का आवाज, जैसे पापा की गाड़ी का आवाज है कौन सी है, तो ये भी बच्चे पहचानते हैं हमारे बच्चे। एनिमल्स के साउंड से हम बता सकते हैं कि जैसे डॉग क्या करता है, इस साउंड्स। ऑडियो विजुअल मैचिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल मोड्स ऑफ सेंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑडिटरी मैचिंग, मैचिंग बाय लिसनिंग साउंड, लाइक साउंड ऑफ टॉयज, व्हीकल्स, एनिमल्स, एटीसी। ऑडियो विजुअल मैचिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल मोड्स ऑफ सेंस। डिस्क्रिमिनेशन, द एबिलिटी और पावर टू सी और मेक द डिस्टिंक्शन, differentiation of object on the basis of some specific characteristics। हमें इसमें भेद different बताना है कि हमें कि यहाँ जैसे बनाना दिया है और उसमें उसके साथ टॉयज दिया है तो सब सेम, कौन सा अलग है, इनमें से कौन सी चीज अलग है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें सॉर्टिंग सिखाना है कि एक दो बॉल्स दी है, उसमें कैरेट के बॉल्स में कैरेट रखने हैं और पीस के बॉल्स में पीस रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर एंड डिफरेंट। वस्तुओं को समूहों में शामिल करेंगे हम, जिसके अलग अलग वस्तुओं से हम लोग को उसको सॉर्टिंग करना है कि सिमिलर क्या है, उसे हमें सॉर्टिंग करके ही उसका क्लासिफिकेशन करना है। हमें जो ये देना है बास्केट की, उसमें हमें कैरेट कौन से रखना है और पीस कहाँ रखने हैं। नेक्स्ट साइड स्लाइड प्लीज। एसोसिएटिंग और कलेक्ट an object with some other activity on the basis of their qualities and visibility। वस्तु को हमके उनके गुणों के आधार पे हमें मैच करना सिखाना है कि जैसे हमने लॉक लिया है तो
लॉक में के साथ हमें ये लगती है कि हमें बाहर जाते हैं दरवाजा खोलते हैं तो हमें उसके साथ दरवाजा लॉक करने के बाद हमें क्या लगता है की लगे जैसे कैप है, कैप कहाँ पहनते हैं सर पे, तो हमें वैसे मैच करना सिखाना चाहिए। बुक्स, बुक्स में हम क्या करते हैं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं पेंसिल से। बैट, बैट का मैचिंग क्या आएगा बॉल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेमिंग, टेलिंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन एप्रोप्रिएट मैनर। हमें बच्चों को उस मैचिंग के बाद उस चीज को नेमिंग करना है कि हमने आज क्या सीखा है, बॉल, बॉल का नाम लेना है, या कैरेट है तो कैरेट का उसको नेमिंग करना है। नर्सरी रैम्स, सिंगिंग ऑफ नर्सरी रैम्स विथ एक्शन इम्प्रूव्स मोटर कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। जैसे हमें लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो सर, नेक्स्ट स्लाइड। प्री राइटिंग स्किल्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्री राइटिंग स्किल्स में हमें बच्चों को सिखाना है कि उसका उसमें सिखाना है ग्रास मोटर स्किल, सीटिंग प्रॉपरली, फाइन मोटर स्किल, होल्डिंग पेंसिल एप्रोप्रिएटली, ग्रास स्ट्रेंथ, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंटल ऑफ डोमेन हैंड। नियरली 5% चिल्ड्रेन आर लेफ्ट हैंडेड। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन, टॉप टू बॉटम ओरिएंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिंगर ट्रेसिंग ऑन लाइन्स, फिंगर ट्रेसिंग ऑन लेटर्स, डॉट जॉइन ऑन लाइन्स, फिंगर ट्रेसिंग ऑन लेटर्स, कॉपिंग, drawing lines and shapes with memory, writing letters with memory। जैसे कि हमें बच्चों पे स्टैंड लेना है, उसमें हमें फिंगर से लाइन करवाना है। घर में ही हम लोग रंगोली है, उसमें भी हम लोग उससे बच्चों को ट्रे में लेके बच्चों को ट्रेसिंग करना सिखा सकते हैं, लाइन लेटर्स भी बनाना सिखा सकते हैं, डॉट को डॉट से ज्वाइन करना सिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्किल्स, मोटर मोर और लेस, मोर और लेस, बिग स्मॉल, लॉन्ग शॉर्ट, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें बोल दूं, रूट काउंटिंग, आइडेंटिफाई नंबर शेप, मीनिंगफुल काउंटिंग, वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर में हमें पूछना है हाउ मेनी, घर में कितने व्यक्ति है, ऑर्डिनल नंबर में पूछना है हेलो सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, रूट काउंटिंग, आइडेंटिफाई नंबर शेप, मीनिंगफुल काउंटिंग, वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you very much, Poonam madam.
Now we are over with all the presenters.